गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 क्या है? कॉनिक सेक्शन। दैट मींस कॉनिक सेक्शन का मीनिंग क्या है? वो कोन के शेप से बना हुआ कुछ पार्ट्स होगा जिसको हम कॉनिक सेक्शन में यूज करते हैं। तो वो पार्ट्स किस तरीके से बनता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये एक एक्सिस है और यहाँ पे कोई दूसरा हम लाइन ले रहे हैं। ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? अल्फा है। अगर हम लोग इस एक्सिस के थ्रू इस लाइन को पूरा ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस के थ्रू इस लाइन को रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद ऊपर में एक क्या पार्ट बनेगा? कोन का शेप बनेगा। ऊपर में एक कोन का शेप बनेगा और वैसे ही शेप नीचे भी बनेगा कोन का। तो ये हमारा एक्सिस है, ये कोन का शेप बनेगा और नीचे भी वैसे ही एक पार्ट बनेगा कोन के शेप में। ये भी कोन के शेप में होगा। यहाँ पे एंगल क्या है? ये आता है, ये आता है, अल्फा सा एंगल, क्योंकि इसी को हम लोग ये लाइन को क्या किए हैं? रोटेट किए हैं एक्सिस के थ्रू। जो एक्सिस है उसको एक्सिस लेके पूरे को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये कोन का शेप बनेगा। अब अगर हम लोग इसमें एक प्लेन को इंटर करा रहे हैं, एक प्लेन क्या कर रहा है इस पार्ट्स में इंटर करा रहा है, तो वो प्लेन के इंटर होने से दैट मींस ये ले लेते हैं एक पार्ट्स है, ये पार्ट है, ये प्लेन है। तो अगर प्लेन को इंटर करा रहा है, तो प्लेन को इंटर कराने से ये क्या करेगा? इस सेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर इससे जो प्लेन और एक्सिस में एंगल है वो एंगल क्या है? बीटा। ये एंगल हमारा अल्फा है और इस एंगल को हम लोग क्या लिए हैं? बीटा भी है ये एंगल को, ये हमारा अल्फा एंगल। तो ये बीटा के एंगल को दैट मीन्स इसको जो प्लेन है हमारा उसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्या करते हैं? अलग अलग एंगल के थ्रू रखते हैं। तो इसमें हम लोग अलग अलग शेप मिलेगा। तो क्या क्या शेप मिलेगा ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एक बीटा इक्वल टू 90। अगर हम लोग बीटा की वैल्यू 90 है दैट मींस बीटा ये पूरा यहां पूरा 90 डिग्री ले जाएगा। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री ले लेंगे तो हम लोग को क्या पार्ट मिलेगा? ये किस तरीके का पार्ट मिलेगा? और ये जो पार्ट होता है दैट मींस कोन का सबसे नीचे का पार्ट मिलेगा। तो कोन के सबसे नीचे का पार्ट क्या होता है? सर्कल। तो क्या मिलेगा हम लोग को? देन सर्कल दैट मींस सर्कल बनेगा। सर्कल फॉर्म सर्कल मिलेगा हम लोग को। तब बीटा इक्वल टू 90 बीटा इक्वल टू 90 पे सर्कल मिलेगा। सेकंड का भी समझ लो मेरा, सेकंड का भी सेकंड का ही जो बीटा की वैल्यू है अल्फा से ग्रेटर हो एंड 90 से कम हो, बीटा की वैल्यू कैसे हो? अल्फा से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर हो दैट मींस ये थोड़ा सा इस अभी जिस पार्ट में अभी जिस तरीके से दिख रहा है अभी बीटा 90 नहीं है, बीटा क्या है? 90 से थोड़ा सा कम है लेकिन अल्फा से क्या है? ग्रेटर है। तो इस पार्ट में जो हमें पार्ट बनेगा वो देखो किस तरीके से शेप बनेगा। ये शेप इस तरीके से बनेगा और ये तो यहाँ पे जो शेप बनेगा दैट मींस अगर हम लोग का एक्सिस है तो इस तरीके का क्या बनेगा हमारे पास शेप बनेगा। तो ये जो शेप बनेगा वो शेप क्या कहलाता है? इलिप्स। दैट मींस हमें क्या मिलेगा? देन इलिप्स फॉर्म, इलिप्स मिलेगा हम लोग को। सेकंड कंडीशन में इलिप्स मिलेगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा इक्वल हो जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा और बीटा जाए दैट मींस जितने का जितना एंगल अल्फा बन रहा है उसमें का भी बीटा हो, दैट मींस ये पार्ट अल्फा के इक्वल हो। तो यहाँ से इक्वल होने से अगर हम लोग यहाँ अलग बनाते हैं तो किस तरीके का पार्ट बनेगा ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा सेट है। अगर हम लोग जो प्लेन बनाए इसी के शेप में सेम दैट मींस ये एंगल कितना है अल्फा, उसका भी एंगल क्या होना चाहिए? बीटा। इस तरीके से बनेगा बीटा एंगल अल्फा के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल हो तो अगर इक्वल पार्ट हो जाता है तो यहाँ से जो शेप बनेगा वो शेप क्या बनेगा? यहाँ से इस तरीके से कटा हुआ भाग मिलेगा इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से कटा हुआ।
क्या मिलेगा, तो यहाँ जो बने का वो क्या मिलेगा हम लोग को, एक पैराबोला का शेप बनेगा। तो क्या फॉर्म होगा देन पैराबोला, पैराबोला फॉर्म, तो हम लोग को क्या मिलेगा पैराबोला। अब अगर फोर्थ कंडीशन एक बीटा की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो जाए बट अल्फा से कम हो जाए, जीरो से ग्रेटर दैट मीन्स इफ ग्रेटर देन जीरो बीटा की वैल्यू एंड लेस देन अल्फा, अल्फा से कम हो और जीरो से क्या हो ग्रेटर हो, तो क्या होगा इस पार्ट्स में मतलब ये दोनों का दोनों में इंटरसेक्शन में है, दोनों में कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या होगा डिवाइड करेगा दोनों पार्ट में, जो प्लेन है वो दोनों पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो शेप क्या बनेगा हाइपरबोला का शेप बनता है, दैट मींस उसका पैराबोला क्या होगा इस तरीके से होगा, ये पैराबोला का शेप है और हाइपरबोला का शेप क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सपांडेड शेप होता है, दैट मींस इस तरीके से बड़ा वो शेप होता है वो क्या होगा हाइपरबोला, क्या होगा हाइपरबोला देन हाइपरबोला पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन क्या है उसमें किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में देखते हैं, सर्कल जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर्कल, सर्कल सर्कल जब लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रेडियस, उसमें जितने भी रेडियस होंगे सब रेडियस इक्वल होते हैं, दैट मीन सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या बनता है सर्कल बनता है। अब हम लोग सर्कल में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग को सेंटर पता होना चाहिए कि सेंटर क्या है, सर्कल क्यों बी सेंटर होने के कारण इसका सेंटर दो पॉइंट में होगा एक्स एंड वाई, दैट मीन्स इसका एक्स क्वाड्रेंट होगा एंड वाई क्वाड्रेंट होगा, तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो इसका सेंटर हम लोग बता सकते हैं, तो सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर क्या है हम लोग एक्स्यूम करते हैं सेंटर एच के, एक सेंटर है एच के और रेडियस, रेडियस पता होना चाहिए इसका कि रेडियस क्या है, तो रेडियस हम लोग क्या ले रहे हैं आर, रेडियस आर से पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस कंडीशन में क्या होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square equal to r square, ये equation of circle का। अगर center क्या होता है, center origin हो जाए, that means zero zero center origin हो जाए, origin क्या है zero zero, h और k की value क्या हो जाए zero zero, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको x square plus y square equal to r square, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा हु सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन रहेगा तो ये हम लोग को इक्वेशन मिलेगा, और अगर सेंटर एच के है उसको ही कोऑर्डिनेट है तो ये हम लोग को इक्वेशन मिलेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के 10.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, 11.1 सॉरी एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कार्ड और फर्स्ट का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.1
तो ये ना पॉइंट वन पे हम लोग फर्स्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या क्वेश्चन है? हाँ दैट मीन्स थर्ड ही दिया है इसमें। फर्स्ट में ये 1 to 5 का क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन में कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन से आ गया सेंटर हम लोग को की पता है 1/2 1/4 सेंटर कितना है 1/2 1/4 एंड रेडियस क्या कितना है? रेडियस 1/12 दैट मींस ये किसकी वैल्यू है? एच के की 1/2 एच की वैल्यू है और 1/4 के की वैल्यू है। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल का है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग पहले लिख रहे हैं। तो फार्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू 1/2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल। अब इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 × x × 1/2 ठीक है प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 प्लस -11/36 -11/36
इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।